जगह पेल दो वीडियो को भाई, सबको फ्री में जाना पड़ेगा, सबको हेल्प करो भाई, सब फ्री में जाएंगे दोस्त लोग तभी मजा आएगा है ना, तभी तो गोवा के प्लान्स बनेंगे कि फ्री में चलना है, समझ रहे हो ना भाई, शेयर करो। समझ रहे हो। हाय गाइस, मेरा नाम मानशु है और मैं आपकी तरह एक सिंपल सा बंदा जो जॉब के साथ साथ ट्रैवल करता है। और आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग सस्ते से सस्ते बजट में ट्रैवल कर सकते हैं, इनफैक्ट कैसे फ्री में ट्रैवल कर सकते हैं, वो भी इस वीडियो में आपको पता लगने वाला है। रुको जरा, सबर करो। जैसा कि आपको पता है अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन के बाद जब भी आप अपना ट्रैवल प्लान करेंगे तो उस टाइम पे आपको वीडियो बहुत काम में आने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखते रहें और पसंद आए तो शेयर करना मत भूलना। चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं पहले पॉइंट की ओर। तो पहला पॉइंट है कि डू रिसर्च बिफोर गोइंग एनीवेयर, मतलब आप देखो कि कैसे आप सस्ता से सस्ता जुगाड़ देख सकते हो वहाँ पहुँचने के लिए, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे आप अगर कहीं दूसरी कंट्री पे जा रहे हैं या फिर दूसरे स्टेट पे जा रहे हैं, आपको एयर बाई एयर ट्रैवल करना है, तो आप एयर फेयर कैसे सस्ते में ढूंढ सकते हैं उसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, तो उसके बारे में अभी बात नहीं करते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि आप जहाँ भी जा रहे हो कोशिश कीजिए भाई कि फ्री में रहने का जुगाड़ ढूंढो। अब फ्री में रहने का जुगाड़ कैसे मिलेगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, $1 million क्वेश्चन है, हर कोई बंदा ही चाहता है कि यार फ्री में रहें। तो उसके लिए ना दोस्तों कुछ कुछ हमारी कम्युनिटीज़ हैं, कुछ कुछ साइट्स हैं जो फ्री में स्टे प्रोवाइड कराती हैं। फॉर एग्जाम्पल couchsurfing.com एक साइट है जिस पे आप अपना साइन अप कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे होस्ट होते हैं जो अपने घर पे इनवाइट करते हैं ट्रैवलर्स को, आप वहाँ जाके फ्री में रह सकते हो, बदले में वो लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और आपसे बहुत सारा एक्सपीरियंस लेते हैं ट्रैवलिंग का। और साथ साथ में कुछ लोग ऐसा भी होता है कि थोड़े घर के काम अगर आप करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, जैसे आप लॉन्ग टर्म में रहने के लिए जा रहे हैं, मंथ के लिए रहने के लिए जा रहे हैं, तो आप वहाँ पे घर का काम कर सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं काम करने में। ऐसे तरीके से आप वहाँ पे फ्री में कई दिनों तक, कई हफ्तों तक, इनफैक्ट मंथ्स तक आप किसी के घर पे रह सकते हैं। और अगर आप वहाँ पे साइन अप कर लेते हैं तो आप खुद भी अपने एज अ होस्ट बनके और उनको भी इनवाइट कर सकते हैं अपने घर पे। फॉर एग्जांपल आपको गोवा जाना है तो गोवा में ऐसे आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं होस्ट की लिस्ट मिल जाती है कि कौन कौन होस्ट कर रहा है। आप फिर उनको खोल के उनकी ऑथेंटिसिटी देख लीजिए, कितने रिव्यूज़ हैं, क्या रेटिंग्स है, कितने उनको रेफरेंस मिले हुए हैं, वो सारी चीज़ें देख के आप धीरे धीरे पता लगेगा आपको कि वो जो बंदा है जो होस्ट कर रहा है वो कितनी जगह घूमा हुआ है, क्या क्या चीज़ें उसके इंटरेस्ट हैं। क्योंकि एक तरीके से लोग दोस्तों आपको अपनी सिक्योरिटी भी देखनी है कि आप कहीं जा रहे हैं किसी के घर में रहने के लिए, तो इसलिए सारी चीज़ें वेरीफाई करना ज़रूरी होता है। और आप रिक्वेस्ट टू स्टे डालेंगे तो वो आपको, आप उसे इनफैक्ट मैसेज में बात भी कर सकते हैं। तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं मलेशिया का, तो मलेशिया में भी आप देखेंगे जैसे बहुत सारे होस्ट अवेलेबल हैं और यहाँ आप जाके स्क्रॉल कर सकते हैं और देख सकते हैं कौन कौन गेस्ट अभी एक्सेप्ट कर रहा है और उसके उनके रिव्यूज़ वगैरह देख सकते हैं, उनसे मैसेज में बात कर सकते हैं और अपना इस तरह से बुकिंग करा के उनको एक रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कि मैं इस समय तक आपके घर में रहने आने वाला हूँ। और ये सारी डिटेल्स आपको इस ऐप में देखने को मिल जाएगी, इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहे तो उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये तो थे ये दो पॉइंट्स, अगर आप लोगों को समझ में आए और ठीक लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर पसंद आए और इन्फॉर्मेटिव लगे तो शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज हम जैसे भाइयों को ऐसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है तो इसे शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट ये है कि आप ना हमेशा जो ट्रैवल रिवॉर्ड्स वाले प्रोग्राम होते हैं उनको कभी भी मिस मत कीजिए, ठीक है। तो ट्रैवल रिवॉर्ड्स प्रोग्राम का मतलब है कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है या फिर आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने वाले हैं तो कई क्रेडिट कार्ड ऐसे होते हैं जिनपे ट्रैवल के लिए रिवॉर्ड्स मिलते हैं कि आप कोई सामान परचेस करते हैं तो आपको कहीं एक रिवॉर्ड पॉइंट ऐड हो जाता है जो आपकी फ्लाइट की टिकट बुक कराने में या फिर कहीं पे होटल के स्टे में हेल्प करता है या कुछ ऑफ मिल जाता है। वो वाले प्रोग्राम जो होते हैं ना उनको हमेशा नज़र में रखिए और अपने पास बना के रखिए। कई साइट्स ऐसी होती हैं जो आपको क्या करती हैं, आपको आपका ट्रैवल पूरा स्पॉन्सर कर देती हैं अगर आप उनकी साइट्स में ब्लॉग्स वगैरह लिखते हैं। अब वो कैसे, तो इसके लिए भी मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे tripoto.com एक साइट है, मेरा भी अकाउंट है उसमें, आप चाहो तो देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैं भी कुछ ब्लॉग्स और वीडियोस वगैरह उसमें पोस्ट करते रहता हूँ, कुछ क्रेडिट्स मिलते रहते हैं, तो उन क्रेडिट्स को आप क्या कर सकते हो किसी भी उनके पैकेज से मैं इस्तेमाल कर सकते हो और वहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर ऑफ मिल जाता है। और अगर आपके क्रेडिट बहुत ज़्यादा हैं तो आपको पूरा ट्रिप भी फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, अगर आपको लिखना पसंद है और आपको ट्रैवल कंटेंट बनाना पसंद है तो आप उनकी जाके साइट में करिए और आपको फ्री में वो ट्रैवल स्पॉन्सर कर देंगे या अच्छा खासा डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि दोस्तों जो ट्रैवल के पेजेस होते हैं ना इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह में, वो लोग ना आए दिन वीकली मंथली कुछ ना कुछ कॉन्टेस्ट चलाते रहते हैं कि यार हमारा स्टोरी शेयर करो या फिर ये क्वेश्चन का आंसर करो तो हम आपको ट्रिप स्पॉन्सर कर देंगे या 20% फ्लैट ऑफ मिलेगा। तो उन पेजेस पे ना नज़र रखने, उनको फॉलो करके रखो। कि अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम में अभी तक फॉलो नहीं किया तो तुरंत जाके फॉलो कर लीजिए, मैं बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी डालता हूँ ट्रैवलिंग की। सो गाइस, जो चौथा पॉइंट है वो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो लंबा ट्रैवल करता है, दैट मींस जो लोग 2 वीक 3 वीक्स
और मंथ्स के लिए ट्रैवल करते हैं, जो बैकपैकर्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ध्यान से सुनिए। तो चौथे पॉइंट में हम बात करेंगे कि कैसे आप लोग मंथ्स तक अपना पैसा बचा सकते हैं या किसी के घर में रह सकते हैं फ्री में, कैसे स्टे कर सकते हैं, कैसे फ्री में ट्रैवल कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका उनमें यह है कि आप क्या कीजिए, अगर आप 6 महीने के ट्रिप पे जा रहे हैं बैकपैकिंग करने के लिए, तो आप अपने प्लेस को जहाँ पे आप एग्जिस्टिंग में अभी करंटली रहते हो उसको एयरबीएनबी में लिस्ट कर दीजिए। तो अगर आपको वहाँ पे से कोई इनकम हो जाती है 6 महीने के दौरान, तो वो आपका सीधा सीधा आपका फायदा हो गया और कहीं ना कहीं आप उस पैसे से दूसरी जगह पे एयरबीएनबी में कहीं पे रह सकते हैं। ठीक है, पहला नंबर तो ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट है इसी का, ये जिस जगह प्लान कर लो जाने का, उसे जाने से पहले टूर गाइड की जॉब देख लो, अगर वो मिल जाती है तो आप जॉब ही करोगे, घूमोगे भी और साथ साथ पैसे भी कमा लोगे। इसी में तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि हॉस्टल वर्कर्स की वैकेंसीज काफ़ी आती रहती हैं, तो अगर आप किसी पर्टिकुलर प्लेस में जा रहे हो लंबे समय तक के लिए, तो वहाँ पे पता कीजिए कौन कौन से हॉस्टल्स हैं और उन हॉस्टल्स में पता कीजिए कि कोई वैकेंसी है या नहीं अभी। अगर वैकेंसी होती है तो आप तुरंत हायर हो जाइए, क्योंकि अगर आप वहाँ हायर रहते हैं तो आपका खाना पीना तो फ्री में होगा ही, एटलीस्ट रहना तो फ्री में होगा ही, और साथ ही साथ में आप वहाँ आसपास एक्सप्लोर कर पाओगे, प्लस वहाँ पे जो ट्रैवलर्स आ रहे हैं उनसे कम्युनिकेट होगा, तो वहाँ पे इंट्रैक्शन होगा, एक ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर होंगे, वो एक अच्छा पॉइंट है। और साथ ही साथ में कुछ ना कुछ इंसेंटिव्स भी वो लोग दे देते हैं। सो गाइस, इसी के मैं दो और बोनस पॉइंट आपको बता देता हूँ। अगर आप लोग योगा वगैरह में इंटरेस्ट रखते हो, आपके पास योगा सर्टिफिकेट, सर्टिफाइड योगा टीचर हो, तो भी आप ट्रैवलिंग फ्री में कर सकते हो। कैसे, आप योगा इंस्ट्रक्टर बन जाइए और बाहर की जो कंट्रीज है वहाँ पे तो आपकी बहुत डिमांड है, इवन इंडिया में ऋषिकेश चले जाइए, वहाँ पे जो फॉरेनर आते हैं उनसे कम्युनिकेट कीजिए जो बाहर से आ रहे हैं, और उनके साथ कोलैबोरेशन करके आप फ्री में उनको योगा सिखाइए, और वो आपको हो सकता है कहीं स्पॉन्सर कर दे, या फिर उनको कोई मिनिमल फी चार्ज कीजिए जिस फी के पैसे से आप कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, वो भी एक तरीका है। तो ये कैसे लगे आपको ये पॉइंट मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। अब जो लास्ट के 3 पॉइंट है वो बहुत ही कॉमन पॉइंट है, मतलब हमें पता होंगे बट हमें अवेयरनेस नहीं होती तो हम ध्यान नहीं देते, तो वो पॉइंट मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। तो 5वां पॉइंट जो बोलता है वो ये बोलता है कि आप अपनी पार्टीज में कम पैसा खर्च कीजिए, जो आप पार्टीज वगैरह करते हो उसमें कम पैसा खर्च कीजिए, हो सकता है वीकेंड्स को आप बाहर डिनर्स अवॉइड कीजिए, घर पे खाना खाइए, घर पे खाना बनाइए, तो उससे कुछ पैसा बच जाएगा, तो भाई आगे जाके ट्रैवल कर लेना। मतलब ये उनके लिए है जो मतलब ट्रैवल बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वो कैसे चाहते हैं कि हर महीने ट्रैवल करना ही करना है। अब हम अगर 6 पॉइंट की बात कर ले, बहुत छोटा सा पॉइंट है कि हमें ना फ्लेक्सिबल रहना चाहिए लास्ट मिनट डील्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने एक प्लान किया है कि मैं ना लेह लद्दाख जाऊँगा, या फिर मैंने प्लान किया कि मैं ना केरला जाऊँगा, तो जब मैंने प्लान किया है, फॉर एग्जाम्पल मेरी 1 हफ्ते बाद फ्लाइट है और उसके 2 दिन बाद मुझे एक डील मिल गई जिसमें मुझे बहुत अच्छा खासा ऑफ मिल रहा है लेह लद्दाख के लिए, तो मैं इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि मैं लेह लद्दाख केरला का ट्रिप छोड़ के लेह लद्दाख निकल जाऊँ, क्योंकि दोनों तो मेरी बकेट लिस्ट में है ही, दोनों में से कहीं ना कहीं जाना है, बट अगर ये मुझे 50% ऑफ मिल रहा है तो क्यों ना, यहाँ पैसे बच रहे हैं तो उसको सस्ते में ट्रैवल कर लूँ, और इंस्टेड ऑफ कि भैया केरला का ट्रिप पूरा करूँ। समझ रहे हो ना मेरा पॉइंट? तो ये भी एक पॉइंट है जो हमको पता होता है बट हम लोग ध्यान नहीं देते हैं या फिर फ्लेक्सिबल नहीं होते। अगर आप फ्लेक्सिबल होते हो, अगर आपको कैंसिलिंग चार्जेस नहीं पड़ रहे हैं या फिर बहुत मिनिमल कैंसिलिंग चार्जेस हैं, तो आप तुरंत वो कैंसिल कीजिए और तुरंत निकल जाइए 50% ऑफ की ओर, या फिर 40%, जितना भी आपको सिग्निफिकेंट अमाउंट ऐसा लग रहा है कि मेरा सेफ हो रहा है। लेट्स टॉक अबाउट लास्ट बट नॉट ए लीस्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 बहुत ही ईजी है और मतलब मेरा तो फेवरेट पॉइंट है भाई। अगर आप लोगों को ट्रैकिंग पसंद है, आपको बैकपैकिंग पसंद है, आप कैंपिंग वगैरह पसंद करते हैं, तो उसके आपके लिए ही ये पॉइंट बना हुआ है, ध्यान से सुनिए। तो 7वां पॉइंट ये कहता है ना कि देखो, डीकैथलॉन करके एक वो है, आपको पता ही होगा, डीकैथलॉन करके एक दुकान है बेसिकली, इसके बहुत सारे ब्रांचेस हैं ऑल ओवर दी कंट्री, बहुत बड़ी मतलब कंपनी है बेसिकली। तो वहाँ पे आपको जाके ना टेंट खरीद लेना है, जो कि मिनिमम से मिनिमम आपको 2,000 रुपये का अच्छा खासा टेंट मिल जाएगा। 2,000 रुपये की आपकी इन्वेस्टमेंट है, जिसमें आपको कुछ पैसा लगा के स्लीपिंग बैग वगैरह लेना पड़ेगा, अगर नहीं भी लोगे वो भी चलेगा अगर आप सही मौसम में जा रहे हैं तो, ठीक है, अगर आपकी गाड़ी की सीटें टिल्ट हो जाती हैं पूरी, या फिर आप पीछे वाली सीट में भी सो सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं ऐसे गाड़ी में सोने के। तो पेट्रोल पंप में आप गाड़ी लगा के थोड़े से सीसे डाउन करके, या फिर गाड़ी में कवर चढ़ा के अंदर घुस के सो सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। यानी कि अगर महीने भर के लिए आप कहीं जा रहे हैं तो 7 दिन आप गाड़ी में सो लें अल्टरनेट डेज या फिर वीकली, तो आपको क्या होगा कि 7,000-8,000 रुपये वहीं के वहीं सेव हो जाएंगे भाई। सो गाइज, ये थे 7 पॉइंट्स जिसमें हमने बताया कि कैसे आप सस्ते से सस्ते और इनफैक्ट फ्री में ट्रैवल कर सकते हैं। तो कैसे लगे आपको ये पॉइंट्स मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो वीडियो, तो अपने दोस्तों के साथ या अपने ट्रैवलर फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। जो भी ट्रैवल ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, जो भी फेसबुक ग्रुप है, सब जगह फैल दो वीडियो को भाई, सबको फ्री में जाना पड़ेगा, सबको हेल्प करो भाई, सब फ्री में जाएंगे दोस्त लोग, तभी मज़ा आएगा।
है ना, तभी तो गोवा के प्लान्स बनेंगे कि फ्री में चलना है, समझ रहे हो ना भाई, शेयर करो। समझ रहे हो? ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।